अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को $50 करोड़ का कर्ज देने पर अपनी मोहर लगा दी है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान को आने वाले समय में दी जाने वाली यह रकम पहले मंजूर किए गए कर्ज की तीसरी किस्त के तौर पर दी जाएगी। आपको बता दें कि IMF पाकिस्तान को पहले $600 करोड़ का कर्ज मंजूर कर चुका है, जिसके तहत वो अब तक 2 किस्तों में पाकिस्तान को कुल करीब ₹200 करोड़ दे भी चुका है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत काफी समय से खराब चल रही है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के आने के बाद से देश की आर्थिक हालत और अधिक खस्ता हाल हुई है। पाकिस्तान की महंगाई दर की बात करें तो बीते 4 वर्षों में महंगाई लगातार बेतासा बढ़ी है, लेकिन यदि बीते वर्ष 2020 की बात करें तो ये पूर्व के 3 वर्षों में करीब दोगुनी हो रही थी। पाकिस्तान के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में वर्ष 2017 में महंगाई दर जहां 4.16% थी, वही वर्ष 2018 में वो बढ़कर 5.93% हो गई थी। वर्ष 2019 में बढ़कर 6.74% और वर्ष 2020 में ये 10.74% हो गई थी। मौजूदा वर्ष के शुरुआती 2 माह में ये 5 से 9% के बीच रही थी। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार बनने के बाद से देश में बढ़ती महंगाई दर का प्रभाव हर जगह देखने को मिला है। खाने पीने की चीजों के दाम बेतासा बढ़े हैं। इस पर वैश्विक कोरोना महामारी ने रईस कसर पूरी कर दी है। कोरोना के चलते पाकिस्तान में उद्योग धंधे ठप हो गए हैं और इसकी वजह से देश को आर्थिक तौर पर नुकसान झेलना पड़ा है। उस दिन पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में कहा था कि देश बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पैसे की कमी के चलते सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा पर खर्च नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान स्टेट बैंक के मुताबिक देश पर कर्ज और देनदारी दिसंबर 2020 में करीब $300 करोड़ के करीब थी, जो बीते 6 माह के दौरान करीब 2.5% तक बढ़ गई थी। वहीं विदेशी कर्ज और देनदारियों की बात करें तो ये करीब $115.70 अरब की थी। वहीं जून 2020 में $112.70 करोड़ के करीब थी। दिसंबर 2019 में $110.70 अरब थी। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक $1000 करोड़ का कर्ज उन्हें विरासत में मिला है। इमरान खान के मुताबिक उनकी सरकार बनने के बाद करीब 35,000 अरब रुपए का कर्ज चुकाया गया है। उनके मुताबिक सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम पर 800 अरब रुपए का खर्च किया था। वर्ष 2020 की पहली छमाही में पाकिस्तान को कर्ज के रूप में $6.70 करोड़ मिले थे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।